दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि ये यूआईडी ने अपना पीवीसी का नया कार्ड, जो बहुत ज़बरदस्त आधार कार्ड आपका दिखने में है और बहुत सारी इसमें सिक्योरिटी, बहुत सारा ये सिक्योर्ड आधार कार्ड है। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपको आज हम बताएंगे कैसे इसको इसको अपने लिए मंगा सकते हैं। और दोस्तों, इसकी सिर्फ फीस मात्र 50 रुपये ही है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड पर क्लिक करना होगा। सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल आफ्ताब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो के लिए। अब यहाँ पे देखिए कितनी सिक्योर्ड ये आधार कार्ड बना हुआ है। और दोस्तों, ये दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है और इसका हमने इसको हमने मंगा भी लिया दोस्तों। अब यहाँ पर आपको क्या काम करना है, यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देना है। जो आपका आधार नंबर है 12 अंक का, वो यहाँ पे डाल देना है। यहाँ आप वर्चुअल आईडी से भी मंगा सकते हैं और आप एनरोलमेंट आईडी से भी मंगा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालना है। और यहाँ पर दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं रजिस्टर्ड है तो आप इस पे टिक कर सकते हैं, और आपका अगर रजिस्टर्ड है तो आप इसको ऐसे ही रहने देते हैं। मेरा तो रजिस्टर्ड है तो हमको टिक नहीं करना है यहाँ पे। और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है, आपका मोबाइल नंबर भी नहीं है, तो आप इसमें चेक ना करें और इसको बिना चेक किए हुए ही छोड़ सकते हैं। लेकिन हमको ऐसे ही करना है क्योंकि मेरा आधार पे लगा हुआ नंबर, और हम सेंड ओटी पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमें ओटीपी डालना है जो आपके मोबाइल नंबर पे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ गया है। अब यहाँ सबमिट पे हमको क्लिक करना है, टर्म एंड कंडीशन को अप्लाई कर देना है, चेक कर देना है, उसके बाद में फिर हमें यहाँ पे सबमिट कर देना है। अब देखिए, ये आपका दोस्तों आधार की डिटेल, जितनी जो आपके आधार पे हैं, जो फ़ोटो, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, एड्रेस, ये सब टोटल आपका दिखेगा। अब इसमें अगर आपको कुछ लगता है कि ये हमारा कुछ प्रॉब्लम कर रहा है तो आप मत करिए, वरना आप फिर में पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे देखिए आपको दूसरे पेज पे लेके चला जाएगा। अब यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या यूपीआई, इन तीनों ऑप्शन से किसी ना किसी से पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ अभी एटीएम से यानी डेबिट कार्ड से करना है। तो हम डेबिट कार्ड का आपको बता रहे हैं, और यहाँ पे कार्ड नंबर आपका सामने की तरफ, उसको यहाँ पे कार्ड नंबर आपको डाल देना है। और यहाँ पे एक्सपायरी डेट आपको डालनी है, यहाँ पर सीवीवी नंबर यहाँ पे डाल देना है, और यहाँ आपका जो उसके क्रेडिट कार्ड डेबिट या क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो नाम है वो यहाँ पे डाल देना है, और यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपके बैंक में जो मोबाइल रजिस्टर्ड है मोबाइल नंबर, अब उस पे एक ओटीपी आएगा बैंक की तरफ से, तो वो ओटीपी यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे सबमिट कर देना है। अभी आपका ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको ये चाहे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और नीचे आप, या तो आप चाहें तो डाउनलोड पेमेंट स्लिप को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, या प्रिंट आउट भी इसका निकाल सकते हैं। पेमेंट ये आपका कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमारा स्लिप डाउनलोड हो चुका है। अब दोस्तों, इसको हम चाहें तो आप इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।
अब हम यहाँ पे इसको प्रिंट आउट निकाले ले रहे हैं, इसको रिकॉर्ड के लिए अपने लिए रख सकते हैं। SRN नंबर होता है, इससे आप ऑर्डर अपना चेक कर सकते हैं कहाँ पे मेरा पहुँचा है कहाँ पे नहीं पहुँचा है। अब हम इसको प्रिंट आउट भी ऐसे कर रहे ले रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगे। दोस्तों अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे जो हमने अभी आधार कार्ड ऑनलाइन PVC किया है, इसकी अनबॉक्सिंग हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा सबको पता चल पाए।